हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे दिसंबर महीने के सबसे उत्कृष्ट 300 प्रश्न शुद्ध हिंदी में। ये है भाग दो। अब से ये सीरीज चार भागों में पूरी की जाती है हर महीने, तो ये है भाग दो। आइए ज़्यादा विलंब ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते में सबसे महत्वपूर्ण दिन कौन से थे। GST यानी जो सेवा और उत्पाद कर है, जिसे GST बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उसका स्टेक होल्डर फीडबैक दिवस मनाया गया 7 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया 9 दिसंबर को। इसका थीम था यूनाइटेड अगेंस्ट करप्शन, यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुटता। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया गया। इसका जो थीम था वो था यूथ स्टैंडिंग अप फॉर ह्यूमन राइट्स, यानी मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अब युवाओं को एकजुट होना होगा, युवाओं को एक स्टैंड लेना होगा, युवाओं को आगे आना होगा। यूथ स्टैंडिंग अप फॉर ह्यूमन राइट्स। 35वां सार्क चार्टर दिवस था 8 दिसंबर। सार्क संगठन है दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन, जिसका मुख्यालय काठमांडू में है, और सार्क देशों के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा स्वैप कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया गया। इस बार इसका विषय था माउंटेन्स मैटर फॉर यूथ, यानी युवाओं के लिए जो पहाड़ हैं, पर्वत हैं, वो काफी मायने रखते हैं। दुनिया की 15% आबादी पहाड़ों पर रहती है। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस था 12 दिसंबर। वर्ष 2019 के लिए जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज डे है, जिसे बोलते हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस, इसका थीम था कीप द प्रॉमिस, यानी वादा मत तोड़िए। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रैलिटी, यह था 12 दिसंबर, और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस था 14 दिसंबर। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो गई। कांग्रेस के दिग्गज नेता और ओडिशा के पूर्व मंत्री भागवत प्रसाद मोहंती का निधन हो गया। शिकागो अमेरिका के सिंगर थे, ये रैपर थे, हिप हॉप स्टार जूस वर्ल्ड का निधन हो गया। टेबल टेनिस में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाले कोच भवानी मुखर्जी का निधन हो गया। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR के अध्यक्ष बीबी कुमार का निधन हो गया। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के पूर्व चेयरमैन पॉल वॉल्कर का निधन हो गया, और दिग्गज तेलुगु अभिनेता गोलपुड़ी मारुति राव का निधन हो गया। संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास इंद्र भारत और किस देश के बीच होगा? ये त्रिसेवा अभ्यास होगा, यानी कि जलसेना जिसे कहते हैं, थल सेना और वायुसेना, आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों मिलकर करेंगे। तो तीन जगह पे होगा ये, क्योंकि तीनों का अलग अलग होता है ये। तो एक होगा पुणे में है औंध मिलिट्री स्टेशन, फिर होगा बबीना जो झांसी के पास है, बबीना मिलिट्री स्टेशन में, और एक होगा गोवा में। तीन जगह पे होगा इंद्र, भारत और रूस के बीच होता है ये हर साल इंद्र। सबसे पहला इंद्र युद्ध अभ्यास हुआ था 2003 में। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के अनुसार 2018 में भारत दुनिया का कौन से नंबर पे सबसे अधिक जलवायु प्रभावित देश था? भारत दुनिया का 5वां सबसे जलवायु प्रभावित देश था। नंबर 1 पे था जापान, नंबर 2 पे था फिलीपींस, और इसमें नंबर 3 पे था जर्मनी, नंबर 4 पे था मादागास्कर, और नंबर 5 पे था भारत। 2019 उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नेटो का शिखर सम्मेलन इस साल कहां हुआ था? इसकी अध्यक्षता करी बोरिस जॉनसन ने, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। तो आंसर है यूनाइटेड किंगडम। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जो है, इसका मुख्यालय जो है वो है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स और ब्रुसेल जो है बेल्जियम की राजधानी है, यहां पे यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय भी है। अवंती मेगा फूड पार्क का उद्घाटन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया है? मेगा फूड पार्क जो होते हैं, यहां पे खाद्य प्रसंस्करण किया जाता है, और हमारी खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं हरसिमरत कौर बादल। इनकी लोकसभा चुनाव क्षेत्र इनका है बठिंडा, ठीक है, बठिंडा, और ये देवास में खुला है, मध्य प्रदेश में। देवास, जबलपुर, होशंगाबाद, यहाँ नर्मदा नदी भी बहती है। एक बात याद रखिए, कई भारत के राज्यों में फूड पार्क बनाए गए हैं। जैसे अगर मैं तेलंगाना की बात करूं, तो तेलंगाना का पहला फूड पार्क खुला है निजामाबाद में। इसी तरह गुजरात का पहला मेगा फूड पार्क जो है वो बना है सूरत में, और महाराष्ट्र का पहला बना है सतारा जिले में,
हिमाचल प्रदेश का पहला फूड पार्क बना है ऊना जिले में, तो इस तरह से किसी भी राज्य का सबसे पहला फूड पार्क आपसे पूछा जा सकता है। और त्रिपुरा में भी बना है, अगरतला में। निम्नलिखित में से किस भाषा को 6 दिसंबर को राज्यसभा में पहली बार बोला गया? ये भाषा है संथाली भाषा। इसे संथाल जनजाति बोलती है। ये जनजाति झारखंड में रहती है, पश्चिम बंगाल में रहती है और ओडिशा में रहती है। संथाली भाषा की जो लिपि है, किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है, जैसे हिंदी और संस्कृत की देवनागरी है, पंजाबी की गुरुमुखी है, अंग्रेजी की रोमन है, उसी तरह से संथाली भाषा लिखी जाती है लिपि में, जिसको बोलते हैं ओल चिकी। ये भी आपको नहीं भूलना है। और ओल चिकी लिपि इजाद करी थी एक महान वैज्ञानिक ने, रघुनाथ मुर्मू इस भाषा के वैज्ञानिक थे, इस भाषा के बहुत बड़े ज्ञानी थे, प्रोफेसर थे। रघुनाथ मुर्मू को भारत रत्न से सम्मानित किया जाने की मांग हो रही है। और ये भाषा बोली किसने पहली बार संसद में, राज्यसभा में बोली गई, जो ऊपरी सदन है हमारा, लोकसभा को निचला सदन बोलते हैं। ये भाषा बोली बीजू जनता दल पार्टी की एक सांसद ने, और इनका नाम है सरोजनी हेम्ब्रम। यहाँ पे ये भी याद रखिए कि जो हमारी सबसे कम उम्र की सांसद हैं चंद्रानी मुर्मू, वो भी बीजू जनता दल पार्टी की हैं, और उनकी लोकसभा चुनाव क्षेत्र उनका है केओनझार। द वॉल्ट ऑफ विष्णु, यानी भगवान विष्णु की तिजोरी, ये पुस्तक किसने लिखी है? अभी ये पुस्तक लिखी है अश्विन संघी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष जो बने हैं वो बने हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। इनसे पहले थे अशोक चावला ने इस्तीफा दे दिया था, तो अब बने हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को गिरीश चंद्र मुर्मू के साथ कंफ्यूज मत करना। गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, CBSE के जो बोर्ड के स्कूल होते हैं वहां पे कक्षा 8, 9 और 10, इनकी कक्षाओं में कौन सा नया विषय शामिल किया गया है? ये बच्चों को पढ़ाया जाएगा एक अध्याय के तौर पे, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। सराई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? सराई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा है उत्तराखंड में, और आपको बता दूं इसका उद्घाटन किसने किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप जानते हैं स्वीडन देश के राजा और रानी भारत आए थे, राजा गुस्ताफ हैं और रानी हैं सिल्विया, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। स्वीडन के राजा गुस्ताफ और रानी सिल्विया ने सराई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। देहरादून में भारत का पहला हेलीकॉप्टर समिट भी अभी हुआ था। और उत्तराखंड में राजा जी और जिम कॉर्बेट दो टाइगर रिजर्व भी हैं, और दो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल भी हैं। एक तो है वैली ऑफ फ्लावर, यानी फूलों की घाटी, और दूसरा है नंदा देवी। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, और यहाँ के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। और आपको बता दूं उत्तराखंड में मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना भी शुरू की हुई है। मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना में जो चना है वो मिलता है बहुत ही सस्ता, गरीब आदमी को 2 किलो हर महीने सरकारी दाम पर मिलता है, बहुत ही सस्ता, जिससे कुपोषण का शिकार वो ना बने। एक और योजना चलाई जा रही है उत्तराखंड में, जिसका नाम है आंचल अमृत योजना। एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है ऊर्जा गिरी अभियान, बिजली की चोरी रोकने के लिए है। और दुनिया का सबसे पहला मुसलमानों का योगा कैंप भी लगा था उत्तराखंड के कोटद्वार। और एशिया का पहला सिक्स सिग्मा इंस्टीट्यूट पर्वतीय औषधि का बना है रुद्रप्रयाग में उत्तराखंड में, पर्वतीय औषधि के लिए पहला संस्थान। इसके अलावा सबसे अच्छा फिल्मों की शूटिंग के लिए जो राज्य है वो है उत्तराखंड, ये 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में अनाउंस किया गया। दिव्यांग जन पुनर्वास के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है? दिव्यांग जनों को पुनर्वास यानी मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इस राज्य ने सबसे अच्छा काम किया, यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश का जो इटावा है वहां पे लायन सफारी शुरू की गई है, यानी शेरों की सफारी। और उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में जो गिद्ध हैं, गिद्ध संरक्षण केंद्र खुला है। इसके अलावा मुंडेरवा चीनी की मिल खुली है, गोरखपुर में 2G इथेनॉल प्लांट खुला है उत्तर प्रदेश में, कन्या सुमंगल योजना चल रही है यहाँ पे, और यहाँ का जो मॉडर्न कोच फैक्ट्री है रायबरेली में, जहाँ रेल के डब्बे बनते हैं, वो सोना 1.5 रोबोट का इस्तेमाल भी कर रहे हैं।
भारत में किस प्रजाति के संरक्षण के लिए ऑपरेशन क्लीन आर्ट शुरू किया गया है? क्लीन आर्ट शुरू किया गया है नेवले को बचाने के लिए, क्योंकि नेवले के शरीर के जो बाल होते हैं उनसे ड्राइंग करने वाले पेंट ब्रश बनाए जाते हैं। जो पेंट ब्रश यूज होते हैं ड्राइंग में वो नेवले के बालों से बनाए जाते हैं, इस वजह से नेवले का शिकार भी किया जाता है। तो नेवले को बचाने के लिए ऑपरेशन क्लीन आर्ट शुरू किया गया है। यहाँ पे मैं आपको यह भी बता दूं, ओडिशा से रिलेटेड दो तीन तथ्य अतिरिक्त। ओडिशा में हॉकी वर्ल्ड कप खेला जाएगा 2023 का राउरकेला और भुवनेश्वर में। पिछला हॉकी वर्ल्ड कप भी 2018 में ओडिशा में खेला गया था, भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में। और ओडिशा की सरकार ने मधु ऐप लॉन्च करी है, मोबाइल ऐप मधु, शिक्षा के लिए। इसके अलावा सूरज पुरस्कार शुरू किए गए हैं अंगदान के लिए, और अभदा योजना, पीठा योजना, कालिया योजना, ये सब ओडिशा की योजनाएं हैं। 21वीं राष्ट्रमंडल जो टेबल टेनिस प्रतियोगिता ओडिशा के कटक शहर में हुई थी, जिसे भारत के हरमित देसाई और आहिका मुखर्जी ने जीता। और जो ट्राइबल क्राफ्ट मेला लगेगा वो भुवनेश्वर में लगेगा, ये याद रखिए। ट्राइबल डांस मेला से कन्फ्यूज मत करना, ट्राइबल डांस मेला जो लगेगा वो लगेगा रायपुर में, और ट्राइबल क्राफ्ट मेला लगेगा भुवनेश्वर में। और कवियों का अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस भुवनेश्वर में हुआ था। रिजर्व बैंक ने लघु वित्त बैंकों को कभी भी लाइसेंस के आवेदन की मंजूरी दी, यानी ऑन टैप फैसिलिटी। लघु वित्त बैंक खोलने के लिए कितना पैसा चाहिए आपको? न्यूनतम आवश्यक पूंजी पहले थी 100 करोड़ रुपए, अब है 200 करोड़ रुपए। एक बात याद रखिए, एक बैंक है सरकारी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, अब ये लघु वित्त बैंक बन रहा है। पेमेंट बैंक था पहले, अब ये लघु वित्त बैंक में तब्दील हो रहा है। और एक है जन लघु वित्त बैंक जो बेंगलोर में है, जन लघु वित्त बैंक, इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अधिसूचित कर दिया है, यानी अब ये उनकी दूसरी सूची में आ गया है। सूची में आने का मतलब होता है कि अब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन ले सकता है। निम्नलिखित में से किस सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 8 के छात्रों के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर एक पुस्तिका लॉन्च करी है? यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पर एक पूरी अलग से किताब बच्चों को पढ़ाई जाएगी, कक्षा 6 से कक्षा 8। भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल को और इनकी मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर, जिसे हम महापरिनिर्वाण दिवस बोलते हैं। इनकी समाधि को बोलते हैं चैत्यभूमि, चैत्यभूमि। तो दिल्ली स्कूलों में पढ़ाई जाएगी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जीवन पर सारी चीजें। भारत ने रक्षा संबंधी खरीद के लिए किस देश को 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी 500 मिलियन का ऋण दिया है? भारत ने इससे पहले 400 मिलियन यानी 40 करोड़ का ऋण श्रीलंका को दिया था, और 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है भारत ने बांग्लादेश को, जिससे वो हथियार खरीद सकें। भारतीय रिजर्व बैंक ने NEFT यानी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कोष हस्तांतरण प्रणाली के जरिए 24 घंटे लेन देन की सुविधा कौन सी दिसंबर से शुरू करने का ऐलान किया है? अब आप NEFT से पैसा भेज सकते हो 16 दिसंबर से पूरे 24 घंटे सातों दिन कभी भी। फ्री वाईफाई की सुविधा पाने वाला 5500वां रेलवे स्टेशन कौन सा है? 5500वां रेलवे स्टेशन है झारखंड का महुआ मिलन, महुआ मिलन रेलवे स्टेशन। सबसे पहला था मुंबई सेंट्रल, सबसे पहला था मुंबई सेंट्रल। दूसरा स्टेशन था, दूसरे से मतलब है 1000वां रेलवे स्टेशन कौन सा था जिसको फ्री वाईफाई मिला? यह था राय रोड, राय रोड रेलवे स्टेशन मुंबई। 2000वां कौन सा था? 2000वां था राणा प्रताप स्टेशन जो अजमेर डिवीजन में आता है राजस्थान में। 3000वां स्टेशन था सिरसा का एलनाबाद रेलवे स्टेशन जो बीकानेर डिवीजन में आता है राजस्थान के, लेकिन है सिरसा में। 4000वां रेलवे स्टेशन कौन सा था? 4000वां था असम का तिनसुकिया, और 5000वां था पश्चिम बंगाल का मिदनापुर, मिदनापुर। और अब 5500वां है महुआ मिलन। तो ये सब आपको याद रखना है। भारत के पहले पशु किसान क्रेडिट कार्ड किस राज्य के द्वारा वितरित किए गए हैं? भारत की केंद्र सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड चलाए हैं, इनसे किसान पशुओं को खरीदने के लिए ऋण ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले किसान क्रेडिट कार्ड बांटे भिवानी में, और भिवानी है हरियाणा में, तो आंसर है हरियाणा के भिवानी में बांटे गए पशु किसान क्रेडिट कार्ड। और यह भी बता दूं, पशुओं के टीकाकरण के लिए जो राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है वो प्रधानमंत्री मोदी ने मथुरा से शुरू किया। किस राज्य की सरकार ने नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम पलटकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कर दिया है? नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन ये किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। इससे पहले मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन हो गया था। इसके अलावा फैजाबाद जिले का नाम हो गया था अयोध्या जिला, और अलाहाबाद का नाम हो गया था प्रयागराज। मिस यूनिवर्स कौन बनी है? मिस यूनिवर्स बनी है दक्षिण अफ्रीका की जोजी बिनी टुंजी, जोजी बिनी टुंजी। और यहां की मुद्रा है रैंड, यहां के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा, सिरिल रामाफोसा।
उसके अलावा भारत और किस देश के बीच कोस्टल शिपिंग समझौता हुआ है, भारत इस देश के दो बंदरगाहों को इस्तेमाल कर सकता है, मोंगला और चट्टोग्राम। मोंगला और चट्टोग्राम को अब भारत इस्तेमाल कर सकता है, ये है बांग्लादेश के। इससे पहले चित्तागोंग जो बंदरगाह है, चित्तागोंग वो ऑलरेडी भारत इस्तेमाल कर रहा है बांग्लादेश का। इसरो ने किस संस्थान में एक नया अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ऊष्मायन केंद्र स्थापित किया है? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सेल बना था इससे पहले, वो बना था आईआईटी दिल्ली में। आईआईटी दिल्ली के अभी 50 साल पूरे हुए हैं और इनके 50वें दीक्षांत समारोह में इसरो के जो अध्यक्ष हैं के सिवन, वो मुख्य अतिथि थे। तो ये ऊष्मायन केंद्र बना है एनआईटी तिरुचिरापल्ली में, जिसको एनआईटी त्रिची भी बोलते हैं। दुनिया की तीसरी सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री और दुनिया की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री और फिनलैंड की तीसरी महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? सिर्फ 33 साल की हैं और ये हैं सना मरीन। ये फिनलैंड की प्रधानमंत्री हैं। एक बात याद रखिए, फिनलैंड देश की राजधानी हेलसिंकी है और मुद्रा यूरो है। और सबसे ज्यादा उम्र के प्रधानमंत्री कौन है दुनिया के? मलेशिया के प्रधानमंत्री महाथीर मोहम्मद। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन देश के किस नवीनतम जासूसी उपग्रह को 11 दिसंबर को लॉन्च करेगा? ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है क्योंकि 11 दिसंबर अब जा चुका है। ये जासूसी उपग्रह है भारत का, इसका नाम है रीसेट 2BR1। रीसेट 2BR1 को हमने जो रॉकेट इस्तेमाल किया वो है PSLV C-48 और इसको श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया, जो कि सतीश धवन स्पेस सेंटर बोलते हैं जिसे श्रीहरिकोटा। ये आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में है। एक बात याद रखिए, हमारे पास दो रॉकेट लॉन्च पैड हैं श्रीहरिकोटा में, अब हम तीसरा बना रहे हैं और वो बनेगा कुल्लाशेखरापट्टिनम में। कुल्लाशेखरापट्टिनम जो जगह है ये तमिलनाडु में है, जहां पे नया रॉकेट लॉन्चिंग पैड बनेगा। और पर्यटन से रिलेटेड आपको 2-3 पॉइंट बता देता हूं। कर्नाटक में चलने वाली लग्जरी ट्रेन गोल्डन चैरियट का संचालन अब करेगी भारतीय खानपान और पर्यटन निगम, जिन्होंने भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन चलाई है तेजस एक्सप्रेस, जो चलती है दिल्ली से लखनऊ। आंध्र प्रदेश को मिला है पर्यटन के लिए सबसे उत्कृष्ट राज्य का पुरस्कार राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कारों में, और गोवा और मध्य प्रदेश को मिला साहसी पर्यटन के लिए पुरस्कार, और फिल्मों की शूटिंग के लिए सबसे अच्छा है उत्तराखंड। इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया गया मणिपुर की राजधानी इम्फाल में। और तमिलनाडु वो शहर, वो राज्य है भारत का जहां पे सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक आए 2018 में। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान था 9वां। पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पे किसी भी देश को नहीं रखा, क्योंकि किसी भी देश ने जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए उतना अच्छा काम नहीं किया। चौथे नंबर पे रखा था स्वीडन को और 5वें नंबर पे रखा था डेनमार्क को। भारत का स्थान था 9वां। निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ द्वारा गोल्डन टारगेट अवार्ड मिला है? पहले तो आप ये याद रखिए, ISSF का जो मुख्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ, इसका मुख्यालय जर्मनी के म्यूनिक शहर में है। और ISSF का विश्व कप हुआ था, भारत ने 3 स्वर्ण पदक जीते थे। तो ये 3 स्वर्ण पदक किसने जीते थे? एक तो जीता था एला वनील वला रिवन ने, दूसरा जीता था दिव्यांग सिंह पनवर ने, और तीसरा जीता था मन्नू भाकर। अब इन 3 में से 2 खिलाड़ियों को मिला है गोल्डन टारगेट और साथ में तीसरे हैं सौरभ चौधरी। तो एला वनील वला रिवन, सौरभ चौधरी और दिव्यांग सिंह पनवर, ये हैं वो 3 लोग जिन्हें गोल्डन टारगेट अवार्ड मिला है। मानव विकास सूचकांक में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं इसे। भारत पिछले साल था 130वें नंबर पे और भारत जो है इस साल है 129वें नंबर पे। तो हमने एक पायदान छलांग लगाई है। पहले नंबर पे इसमें जो देश है वो है नॉर्वे। इसको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से यह सूचकांक जारी किया जाता है। भारतीय वायुसेना ने कौन से आद्याक्षर के साथ 30 रफाल जेट में टेल नंबर लगाने का निर्णय लिया है? जो लड़ाकू विमान खरीद रहे हैं हम, रफाल लड़ाकू विमान जो हैं, उनकी जो पूंछ होती है विमान की ऊपर इस तरह से, उसके ऊपर जो नंबर लिखा रहेगा वो शुरू होगा BS से। क्योंकि हमारे अभी जो रिटायर हुए हैं, हमारी जो वायुसेना के अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल BS धनोआ, उनको सम्मानित करने के लिए किया गया है। तो BS धनोआ के नाम पे ये नंबर BS से शुरू किया जाएगा। और हम रफाल के अलावा मेटियोर नाम का हवा से हवा में मार गिराने वाली मिसाइल भी फ्रांस से खरीद रहे हैं। इस कंपनी का नाम है डसॉल्ट एविएशन। और हथियार बनाने वाली दुनिया की नंबर 1 कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, ये अमेरिका की कंपनी है, इसको लॉकहीड मार्टिन कहा जाता है। किस राज्य ने मेधावी छात्रों को बीजू सशक्तिकरण योजना के तहत लैपटॉप वितरित करे हैं? बीजू पटनायक जो थे, अभी ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के फादर थे, इन्हीं के नाम पे पार्टी का नाम बीजू जनता दल है, तो ये है ओडिशा। ओडिशा में चल रही है बीजू सशक्तिकरण योजना।
निम्नलिखित के स्थान पर ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए यानी मौसम से कोई प्रभाव ना पड़े ऐसा ब्रिज ऐसा पुल बनाया गया है जिसका नाम है दराज पुल। दराज पुल का उद्घाटन किया गिरीश चंद्र मुर्मू ने, जो कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। यह बना है राजौरी में। इसके अलावा भारत में 4 पुल और बने हैं और चारों का उद्घाटन किया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है लखनऊ। ये 4 पुल कौन कौन से हैं? सबसे पहले है उज पुल, ये बना है कठुआ जिले में जम्मू कश्मीर के। दूसरा पुल है बसंतर पुल, बसंतर पुल बना है जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में। तीसरा पुल है सेसेरी पुल, सेसेरी पुल बना है अरुणाचल प्रदेश में। और चौथा पुल है जिसको बोलते हैं कर्नल चेवांग रिंचेन सेतु, ये बना है लद्दाख में, कर्नल चेवांग रिंचेन सेतु। चारों का उद्घाटन हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। नाडा यानी राष्ट्रीय डोपिंग निरोधी एजेंसी, इनका ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? ये बने हैं मशहूर एक्टर सुनील शेट्टी। और अंतर्राष्ट्रीय डोपिंग निरोधी एजेंसी जो है उसका हेडक्वार्टर है कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में। इन्होंने रूस पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में किस देश में व्हाइट आइलैंड यानी सफेद द्वीप नाम का ज्वालामुखी है जिसमें विस्फोट हुआ? ये ज्वालामुखी न्यूजीलैंड में है, इसमें विस्फोट हुआ और न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। यहाँ की प्रधानमंत्री हैं जैकिंडा आर्डन और न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च शहर में आतंकवादी हमला इस साल हुआ था। 54वां पुलिस महानिदेशकों या पुलिस महानिरीक्षकों का सम्मेलन, जिसे बोलते हैं डीजीपी या आईजी, इनका सम्मेलन कहाँ हुआ पूरे भारत के? ये सम्मेलन हुआ पुणे में। पुणे में भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास भी हुआ था। डुशिफा 3 नाम का उपग्रह कौन से देश के छोटे छोटे स्कूल के बच्चों ने बना दिया है? और यह उपग्रह भारत ने छोड़ा है पीएसएलवी C-48 से अभी श्रीहरिकोटा से। यह उपग्रह इसराइल के स्कूल के बच्चों ने बना दिया, इसका नाम है डुशिफा 3। अभी अभी ट्राइफेड जो भारत में जनजातीय उत्पाद होते हैं उनका विपणन करती है ये संस्था ट्राइफेड, इसकी मुख्य डिजाइन सलाहकार कौन बनी है? ये है फेमस फैशन डिजाइनर ऋतु बैरी, ऋतु बैरी। यहां पे ऑप्शन 3 देखिए मसावा गुप्ता। क्या आप बता सकते हैं मसावा गुप्ता भारत नहीं अंतर्राष्ट्रीय कौन से क्रिकेट खिलाड़ी हैं, उनकी बेटी हैं मसावा गुप्ता? कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। सी सुगंध राजा राम ये कौन से देश के लिए भारत के अगले उच्च आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं? सी सुगंध राजा राम बने हैं घाना में भारत के उच्चायुक्त, घाना की राजधानी है आकरा। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट भारत के राजदूत मैं बता देता हूं, नेपाल में राजदूत है हमारे मंजीव सिंह पुरी, अमेरिका में है हर्षवर्धन श्रृंगला, आप इन्हें हिंदी में लिख सकते हैं, पाकिस्तान में है अजय बिसरिया और पाकिस्तान के पूर्व जो मिलिट्री जनरल थे परवेज मुशर्रफ, उन्हें अभी थोड़ी देर पहले फांसी की सजा सुनाई गई है। चीन के हैं विक्रम मिश्री, श्रीलंका में हमारे राजदूत हैं तरनजीत सिंह संधु, बांग्लादेश में हमारी राजदूत हैं रीवा गांगुली दास, भूटान में है रुचिरा कंबोज, संयुक्त अरब अमीरात में है पवन कपूर और ब्रिटेन में है रुचि घनश्याम। बायो एशिया 2020 इसका 17वां संस्करण, इसमें किस देश को भागीदार देश बनाया गया है? बायो एशिया 2020 में जो पार्टनर कंट्री होगा वो होगा स्विट्जरलैंड, और बायो एशिया 2020 होगा भारत के हैदराबाद में। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न और स्विट्जरलैंड में अभी रॉजर फेडरर का एक सिक्का जारी किया गया है, ये पहले जीवित व्यक्ति हैं जिनका सिक्का स्विट्जरलैंड ने जारी किया है। क्लाइमेट न्यूट्रल नाव श्रेणी में किस कंपनी को जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए यूनाइटेड नेशंस के द्वारा संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड मिला है? यह भारत की आईटी कंपनी है, बेंगलुरु में मुख्यालय है इसका, यह है इंफोसिस। किस कंपनी ने भारत में माई क्रेडिट नाम का ऋण सेवा शुरू करी है? माई क्रेडिट की मदद से आप 1 लाख रुपए तक का ऋण ले सकते हो, यह कंपनी है चाइना की श्याओमी, चीन की कंपनी श्याओमी। और चीन की कंपनी एक और है मोबाइल फोन बेचने वाली हुआवी, हुआवी कंपनी ने अपना प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है हारमनी ओएस। पेप्सी कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? पेप्सी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सलमान खान, जो भारत पे मोबाइल ऐप है उसके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। भारत पे को फोन पे से कंफ्यूज मत करना, फोन पे के ब्रांड एम्बेसडर हैं आमिर खान। प्यूमा कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये खेल कूद के जो कपड़े हैं वो बनाती है, जूते बनाती है प्यूमा कंपनी, इसके बने हैं भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छत्री। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कितने स्मारकों को अवश्य देखें श्रेणी में चिन्हित करा है, मस्ट सी, इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 138 और भारत में विश्व विरासत स्थल हैं यूनेस्को के 38। 38वां था जयपुर का शहर। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में 138 स्मारक हैं जिन्हें मस्ट सी कहा गया है।
और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने चौखंडी स्तूप जो है उत्तर प्रदेश का, उसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। दुनिया का पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कमर्शियल विमान, यानी ऐसा व्यावसायिक विमान जो बिजली से चलेगा, उसने अपनी उड़ान किस देश में भरी? ये कनाडा के वैंकूवर शहर से उड़ान भरी। तो आंसर है इसका कनाडा। कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर, वहां पे वाडा का मुख्यालय है, ICAO का मुख्यालय है और IATA का मुख्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात संघ, इनका मुख्यालय भी मॉन्ट्रियल में है। वहां के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उनकी पार्टी है लिबरल पार्टी, और यहाँ पे एक झील भी है कनाडा में जिसको बोलते हैं विनीपैग झील। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पाइका विद्रोह स्मारक की आधारशिला रखी किस राज्य में? अभी तक यह समझा जाता था कि 1857 की जंग भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम था, पर ऐसा नहीं है। इससे 40 साल पहले एक जनजातीय विद्रोह हुआ था 1817 में, यह हुआ था पाइका विद्रोह, और ये खुर्दा जिले में बन रहा है ये स्मारक उसकी याद में। तो ये ओडिशा में हुआ था, तो आंसर है ओडिशा। किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है टाइम मैगजीन के द्वारा? साल की सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं ग्रेटा थनबर्ग। इन्होंने जो अपनी स्पीच दी थी वो दी थी क्लाइमेट एक्शन समिट न्यूयॉर्क में, जिसमें इन्होंने कहा था हाउ डेयर यू। और ग्रेटा थनबर्ग को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार भी मिला है कैमरून की डिविना मलूम के साथ। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान है नई दिल्ली में। अभी अभी 3 विश्वविद्यालय बने हैं संस्कृत भाषा के लिए, जिनको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया है। पहला है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली, दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, वो भी नई दिल्ली में है, और तीसरा है तिरुपति में राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ। तो संस्कृत के लिए 3 विश्वविद्यालय हैं जिन्हें केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। विश्वविद्यालयों की बात आ रही है तो आपको बता दूं, महाराष्ट्र के पुणे में सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय जो है वो अपना एक परिसर खोलेगा कतर में, कतर देश में। एशिया का नंबर 1 सबसे उत्कृष्ट विश्वविद्यालय जो एशिया का है वो है सिंगापुर का NUS, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, जिसे हम बोलते हैं सिंगापुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। मध्य प्रदेश की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, ये पहला विश्वविद्यालय है जिसे A+ रेटिंग मिला है NAAC के द्वारा, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल के द्वारा। स्वीडन का गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय जो है, इसने डायरिया के लिए एक दवाई बनाई है जिसका नाम है एटवैक्स। गुरु नानक देव जी के नाम पे एक विद्यापीठ बनाई गई है बर्मिंगम विश्वविद्यालय में, ब्रिटेन में। इसका उद्घाटन किया हरदीप सिंह पुरी ने, जो हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं और आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो है, उन्होंने एक नकली पत्ती बनाई है, नकली पेड़ की पत्ती जो प्रकाश संश्लेषण करके सिन गैस बनाएगी। और पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय दुनिया का खुल रहा है संयुक्त अरब अमीरात में। जलवायु परिवर्तन पर आयोजित शिखर सम्मेलन COP25 जो मैड्रिड में हुआ स्पेन की राजधानी, वहां पे बना है जलवायु परिवर्तन गठबंधन, यानी क्लाइमेट एम्बिशन अलायंस। इसको अंग्रेजी में भी याद रखिए, क्लाइमेट एम्बिशन अलायंस। इसमें कितने देश शामिल हैं? इसमें 73 देश शामिल हैं। एक बात और याद रखिए, यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि वो सन 2050 तक होना चाहते हैं कार्बन न्यूट्रल, जिसे बोलते हैं कार्बन तटस्थ 2050 तक, पर इसमें से पोलैंड ने अपना नाम वापस ले लिया है, क्योंकि पोलैंड में ज्यादातर ऊर्जा बनती है कोयले को जलाने से, तो पोलैंड 2050 तक कार्बन तटस्थ नहीं बन सकता। किस राज्य की सरकार ने दिशा बिल को पारित किया है? दिशा बिल से क्या होगा, अगर कोई बलात्कार या संगीन जुर्मों का कोई मुजरिम है तो 21 दिन के अंदर न्याय मिलेगा पीड़ित को, तो यह करा है आंध्र प्रदेश की सरकार ने पारित दिशा बिल। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर श्री सलाम टाइगर रिजर्व है, यहां पे झील भी है पुलिकट झील, राजधानी है अमरावती। फिक्की इंडिया खेल पुरस्कार दिए गए, साल का सर्वश्रेष्ठ भारतीय खिलाड़ी कौन बना पुरुषों में और महिलाओं में? पुरुषों में है सौरभ चौधरी, ये पिस्टल शूटर है, मेरठ से हैं, और महिलाओं में है रानी रामपाल, जो हरियाणा से हैं और महिला हॉकी टीम में है। रानी रामपाल ने गोल मारकर भारत को क्वालिफाई करवाया था अगले साल होने वाले ग्रीष्म ओलंपिक टोक्यो के लिए, और सौरभ चौधरी तो जीतते रहते हैं, शूटिंग में काफी टूर्नामेंट जीते हैं इन्होंने। तो ये हैं साल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष और महिला। भारत में ला लीगा यानी स्पेनिश फुटबॉल लीग जो होती है, उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ला लीगा का ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रोहित शर्मा, जो कि जुराबों की कंपनी ट्रू सॉक्स के ब्रांड एम्बेसडर भी बने हैं। 27 से 29 दिसंबर तक भारत के किस शहर में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव होगा? नृत्य महोत्सव होगा रायपुर में, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। यहाँ पे गुरु घासीदास नया टाइगर रिजर्व बना है, गुरु घासीदास। इसके अलावा कांगर घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पे है, इंद्रावती नाम का एक राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पे है, इंद्रावती और गुरु घासीदास और
कांगर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो हैं अनुसुईया उके। किस राज्य के जगह मिशन को अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड हैबिटेट सम्मान से सम्मानित किया गया है? जगह मिशन है बेघरों को घर देने का प्रावधान, बेघर लोगों को घर देने की योजना ओडिशा सरकार की। तो आंसर है ओडिशा। किस महिला टेनिस खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ टेनिस खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? अधिकृत टेनिस संस्था WTA के द्वारा। ये खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की हैं। इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता था 2019 में। और जमैका की टोनी एन सिंह बनी है मिस वर्ल्ड। ये 69वीं मिस वर्ल्ड बनी है टोनी एन सिंह, जमैका की हैं। और मिस यूनिवर्स मैंने आपको बताया था दक्षिण अफ्रीका की जोजे मिनी टुंजी। मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने किस विश्वविद्यालय में वर्चुअल पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया? वर्चुअल पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया आंध्रा विश्वविद्यालय में। और भारत का पहला वर्चुअल कोर्ट कहां बना है? वर्चुअल कोर्ट बना है फरीदाबाद कोर्ट, इसे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, जिसे चंडीगढ़ हाई कोर्ट बोलते हैं, उन्होंने बनाया है। वर्चुअल पुलिस स्टेशन ये होता है आप घर बैठे ही दूर से टीवी पे देखकर पुलिस को अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। तो आंध्र विश्वविद्यालय के परिसर में बना है वर्चुअल पुलिस स्टेशन। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी ने भारत में ऑडिबल सुनो नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? यह कंपनी है अमेजॉन। ब्रिटेन में आयोजित चुनावों में बोरिस जॉनसन ने बहुमत हासिल किया, ये कौन सी पार्टी के हैं? इनकी पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी। और याद रखिए कंजर्वेटिव पार्टी जो है इन्होंने हराया चुनाव में लेबर पार्टी को। लेबर पार्टी के अध्यक्ष थे जेरेमी कॉर्बेन, पर इन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि इनकी शर्मनाक हार हुई। तो कंजर्वेटिव पार्टी अब अगले 5 साल के लिए चुनी गई है ब्रिटेन में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में इनर लाइन परमिट लगा दिया है? भारत में नागालैंड, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश में आप सीधे नहीं जा सकते, पहले आपको परमिशन लेना पड़ता है, जिसे बोलते हैं इनर लाइन परमिट। अब यह परमिट मणिपुर पे भी लागू होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी रोवर मार्स 2020 लॉन्च करेगी, यानी मंगलयान भेजेगी, मंगल ग्रह पर अपना मिशन करेगी, जिसका नाम है रोवर मार्स 2020? यह करेगी नासा करेगी। और चंद्रमा पे भी नासा अपना मिशन करेगी, इसका नाम है आर्टेमिस। ये होगा 2024 में संपन्न। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक रोजगार योग्य प्रतिभा है? सबसे अधिक रोजगार योग्य प्रतिभा है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र नंबर 1 है। दूसरे नंबर पे है तमिलनाडु। और अगर शहरों की बात करूं तो पहले नंबर पे है मुंबई, दूसरे नंबर पे है हैदराबाद। यानी इस राज्य में ऐसे लोग हैं महाराष्ट्र में जिनको वास्तव में नौकरी रखा जा सकता है, नौकरी के वो योग्य हैं। नागपुर मुंबई जो हाईवे है जिसे बोलते हैं समृद्धि एक्सप्रेसवे, समृद्धि कॉरिडोर भी बोलते हैं, इसका नाम बदलकर किसके नाम पे रखा जाएगा? इसका नाम बाला साहेब ठाकरे के नाम पे रखा जाएगा, शिवसेना के जो संस्थापक थे। अभी बाला साहेब ठाकरे के जो बड़े बेटे हैं उद्धव ठाकरे, वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं। कौन सा देश अगले वर्ष मार्च में 36वां अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन करेगा? 36वां अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन करेगा भारत। और भारत G20 शिखर सम्मेलन भी आयोजित करेगा 2022 में, जो भारत के आजादी का 75वां साल होगा। इतना ही नहीं, भारत एक काम और करेगा, इंटरपोल की बैठक, जो इंटरनेशनल पुलिस है उसकी बैठक का आयोजन भी करेगा 2022 में। और 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप भी भारत के ओडिशा में होगा। किस राज्य ने हाल ही में विजय अमृत और सहचारी नाम की दो सामाजिक कल्याण योजनाएं शुरू करी हैं? ये दोनों योजनाएं दिव्यांगों के कल्याण के लिए है, जो अपंग लोग हैं, दिव्यांग हैं उनके लिए। ये करी है केरल ने शुरू। केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। यहाँ के दो नृत्य भी हैं कथकली और मोहिनीअट्टम। किस राज्य के पुलिस विभाग ने एक अनोखा बारकोडिंग सॉफ्टवेयर बनाया है जिसका नाम है ट्रैकिया? ट्रैकिया को बनाया है हरियाणा की पुलिस ने। इसकी मदद से जो फॉरेंसिक रिपोर्ट होती हैं उनको उसमें छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा कोई, उनको सुरक्षित कर दिया जाएगा इस सॉफ्टवेयर की मदद से, जिसका नाम है ट्रैकिया। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, सुलभ भारत अभियान जो भारत में दिव्यांगों के लिए किया गया था शुरू, उसकी नई समय सीमा क्या कर दी गई है? क्योंकि पूरी डेडलाइन जो पूर्व डेडलाइन है, यानी इससे पहले जो डेडलाइन थी वो मीट नहीं हो पाई, तो नई डेडलाइन है मार्च 2020। सुलभ भारत अभियान। अशोक लेलैंड कंपनी जो भारत में मेनली ट्रक बनाती है, हैवी व्हीकल बनाती है, तो इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक कौन बने? MD और CEO, इनका नाम है विपिन सौंधी। कौन सा शहर सैन्य साहित्य महोत्सव की मेजबानी कर रहा है? सैन्य साहित्य महोत्सव हो रहा है चंडीगढ़ में, पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। यहाँ पे आपको मिलेगा रॉक गार्डन और सुखना झील। और चंडीगढ़ से लोकसभा सांसद हैं किरण खेर। सो ये था हमारा वीडियो दिसंबर महीने के सबसे उत्कृष्ट 300 प्रश्न का। आपका जो भी स्कोर है आप कमेंट्स में लिख सकते हैं।
इस वीडियो को एग्जाम से पहले जरूर देखकर जाना। अब आपको महीने में 4 वीडियो ऐसे होंगे जो आपको बताएंगे कि आप डेली वीडियोस कितने अच्छे से देखते हैं। सो मिलते हैं भाग 3 में 22 दिसंबर को। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी आईक्यू प्रीमियम।